नवजात बच्चे के शव की टांग मुंह में लिए घूम रहा था कुत्ता। झाड़ियों में मिला बाकी का शव का हिस्सा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जिला ऊना में नवजात बच्चे के शव की टांग मुंह में लिए एक कुत्ता घूमता हुआ दिखाई दिया, जबकि शव का बाकी हिस्सा झाड़ियों में पड़ा हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला जिला ऊना मुख्यालय से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विकास चौहान, जो कि ऊना में बतौर शिशु विशेषज्ञ कार्यरत हैं, तथा वे आवासीय डॉक्टर्स कॉलोनी के नजदीक ऊना में रहते हैं। वे अपने सरकारी आवास से पैदल ड्यूटी के लिए अस्पताल ऊना जा रहे थे, जब वे डॉक्टर मुकेश के पुराने रिहायशी क्वार्टर के पास पहुंचे तो देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक आवारा कुत्ता नवजात शिशु की टांग को खा रहा है, तथा नवजात शिशु का बाकी का शरीर भी साथ में पड़ा हुआ दिखा। जब नजदीक जाकर देखा तो ये नवजात शिशु का शरीर था, जिस पर इन्होंने इसकी जानकारी अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दी तथा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। इस नवजात शिशु को किसी महिला या लड़के द्वारा पैदा होने के बाद मौत के उपरांत जमीन में गाड़ दिया गया था तथा कुत्तों द्वारा बाहर निकाल लिया गया। डीएसपी अजय ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नवजात शिशु ऊना अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उन्हें ऐसा लगता है कि यह नवजात शिशु 4-5 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी। ये 10 तारीख का मामला है और जब ये हमारे पास ये मामले की खबर आई थी, इनकी पुष्टि हुई थी, तो उसमें हमारे मित्र हैं कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि वो जब अपने घर से गिनती के लिए जा रहे थे तो ऋषि रहते हैं, एक कुत्ते को बच्चे की टांग खाते हुए देखा। जब उन्होंने नजदीक जाकर के देखा तो एक नवजात शिशु पर शव भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। उन्होंने इसकी खबर जो हमारे जैसे मनोज जी वहाँ थे तो उनको भी उनके द्वारा थाना में बात की पुष्टि हुई कि हाँ कुछ ऐसा वहाँ पाया गया है। तो यहाँ से हमारी टीम रवाना हुई थी, उन्होंने बोला वहाँ पर जो हमने कत्ते थे वो जुटाए और इसलिए हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। जो शिशु है वो मतलब क्या उसकी उम्र थी? एक लड़की का शव है और वो लग रहा है कि 4 या 5 दिन का बच्चा रहा होगा। अभी बाकी मेडिकल जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। एनस्टार न्यूज के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।